हाँ गुलर का पेड़ बात उधर भी है बाबा जी, गुलर का पेड़ बात उधर भी है। अरे बहुत है लेकिन एक दिन में थोड़ी कुछ काम होता टाइम लगता, भीड़ जहाँ मिलता है। मतलब अगर इसको चार छः दिन उपयोग किया जाए तो अच्छा रिजल्ट देगा। आप लगा कर देखिए उसमें क्या करें, इसे फिर भी अपने अनुभव के आधार पे कुछ काम तो करता है, काम करता है तभी तो कर रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी दवाइयाँ मैं तो नहीं जाते हैं काम करके जितना ही करता है। अच्छा मस्से वगैरह में बवासीर के पूरा विषैले तत्व तो निकाल देता है। हाँ आराम तो करता ही है भाई, मैंने देखा उसके आधार से तो आराम तो करता ही है, टाइम लगता है चला पता नहीं, देखो तो सही हो जाए तो बताएं तो क्या करें, जब तक पूरा सही हो जाए तो मतलब बस यही जो इसका दूध निकल रहा है दूध पत्ते पे लगा करके यही मतलब लगा करके क्या बांधना होता है बाबूजी? अब नीचे चला होता तो हम नीचे लगा लेते हैं और क्या है, ये पत्तवा लगा लेते हैं और क्या। तो यही ताज़ा दूध निकाल करके लगाना है उसके बाद मेन तो यही। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दुर्लभ जानकारी जो है उपलब्ध कराई लोगों को। एक दूसरे से ही जानकारी मिलती है, एक दूसरे से ही जानकारी मिलती है, जरूरत पड़ने पर ही आदमी जरूरत जाता है, जरूरत पड़ने पर ही जरूरत जाता है। सांप सूप दुनिया भर के रहते हैं, हाँ जड़ी बूटियाँ तो उन्हीं में है जहाँ पे जंगल में ही। तो देखिए ये है प्रकृति का जादू कूलर, ऐसे अनुभवी लोगों से कुछ जानकारियाँ मिल जाती हैं। देखिए अभी मैं रास्ते से गुजर ही रहा था तो देखा कि ये इस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं कि गूलर के पत्तों को तोड़ करके उसका जो दूध है एक पत्ते पे निकाल रहे हैं। तो क्या अद्भुत देखिए संयोग है कि बता रहे हैं आपको कि जिसको मस्से हो जाएं बवासीर के, करना यही है कि गूलर के पत्ते लीजिए, एक पत्ते पे आप गूलर की कुछ टहनियाँ तोड़ करके या कुछ पत्ते तोड़ के उसका दूध निकाल के उस पर एक तरीके से लेपन कर लें या लगा देखो, और उसी पत्ते को आप मस्से पे नीचे लगा करके गुदा मार्ग पे बांध दें, रात को बांध दें या कुछ देर रखें तो धीरे धीरे वो मस्से पूरी तरीके से सूख जाते हैं। ये है प्रकृति का जादू, इस प्रकार से आप बवासीर के मस्से जो जल्दी ख़त्म होते ही नहीं आप लाख उपाय कर लें, अच्छी अच्छी दवाओं से नहीं ख़त्म होते हैं, आप निजात पा सकते हैं। प्रकृति का गुणगान करते रहिए, ऐसे आयुर्वेद का गुणगान करिए, प्रकृति विज्ञान का गुणगान करिए, जय सियाराम वंदे मातरम। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ क्योंकि आज के खान पान में ये बीमारी सामान्य होती जा रही है। बवासीर की बीमारी पहले बादी बवासीर होगी, फिर मस्से हो जाएंगे, नाड़ियों में जो है सूजन आ जाती है, वायु भर जाती है, तो इस समस्या से निकला जा सकता है। जय श्री राम वंदे मातरम।